नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा कर हल्ला बोल करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बुधनी में गोपालपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन करेगी। दरअसल बुधवार को नरसुल्लागंज से गुजर रहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वहां एक पुल का उद्घाटन कर दिया, जिसका उद्घाटन दो दिन बाद मुख्यमंत्री करने वाले थे और इसी के चलते उनके खिलाफ गोपालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उनका कहना है कि जहां आम जनता आने जाने के लिए परेशान हो रही थी, वहीं पुल के उद्घाटन के लिए सीएम का इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने जनता की समस्या को देखते हुए खुद ही पुल का उद्घाटन कर दिया। इस मामले में भोपाल में राष्ट्रीय महासचिव के साथ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के प्रभार बदले जाने पर वर्मा ने कहा कि मंत्रियों ने अपने विभागों में तबादला उद्योग भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की सरकार में जो तबादला उद्योग का आरोप लगाते थे, अब उनकी सरकार में क्या हो रहा है? वहीं उन्होंने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल और दिल्ली में बढ़ती हुई सक्रियता पर कि विजयवर्गीय को डर है कि कहीं सिंधिया को केंद्रीय मंत्री न बना दिया जाए, इसलिए वे हाथ पैर मार रहे हैं। साथ ही खंडवा से सांसद के उपचुनाव को लेकर विजयवर्गीय को टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि वो खुली चुनौती देते हैं कि वे खंडवा से चुनाव लड़कर जीत कर बताएंगे। नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच समिति के अध्यक्ष भी सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड के पर्दे के पीछे कौन है, कांग्रेस उन्हें सामने लेकर आएगी। वहीं जो लोग इस पूरे मामले की जांच को दबाने के लिए पुलिस को ज्ञापन देने गए थे, ऐसे लोगों को कांग्रेस सामने लाएगी। देखिए, भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है। मध्य प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब भाषणवीर हैं नरेंद्र मोदी भी, शिवराज चौहान भी घोषणावीर हैं। अब इनसे हाथ जोड़ के जनता छुट्टी चाहती है तो उनके नेता, कुछ समय बचा है सरकार का तो उन्हें अपन भी मंच में बैठ लो, उस कुस्तम कुश्ती में गिर रहे। देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के नेताओं को। मैंने ट्वीट इसलिए किया कि हमारी कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने वो स्थानांतर किए थे जो आवश्यक थे जी। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, क्या एक नई सरकार आती है उसे फेरबदल करने का अधिकार नहीं है? लेकिन भाजपा के लोगों ने चिल्ला जोड़ मचाई कि अरे साहब, आज तक के इतिहास में इतने तबादले नहीं हुए। मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के नेताओं को कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार और पिछले तुम्हारी ये वाली सरकार अभी आई, हमसे ज़्यादा ट्रांसफ़र तुमने अभी कर दिए। अब 1 तारीख से ये जो तबादला उद्योग चालू होगा, इसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के उद्योग पीछे रह जाएंगे। भाजपा का, शिवराज का तबादला उद्योग खूब चले, लोगों को मार डाला। अब थैंक यू इंदौर, और ये जो प्रशासनिक अधिकारी इनका बनाया हुआ आडंबर मुख्यमंत्री के सामने पेश कर देते, अरे कितने हजारों लोग इंदौर में मरे हैं। शिवराज चौहान, मैं आह्वान करता हूँ, यदि तुम इंदौर की धरती पर आ रहे हो, कसम खा के आना कि जितने लोग इंदौर में कोरोना से मरे हैं उनको ईमानदारी से मृत्यु प्रमाण पत्र कोरोना का दिला देना। नहीं तो लोगों ने तो ठान लिए कि अब की बार भाजपा को उठा के फेंको बाहर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।